सोहेटेकिस कैसे हो आप सभी लोग। तो अगर आपका बजट 30,000 के आसपास है और आपको चाहिए इस बजट रेंज में कोई बेस्ट कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन, तो मैंने आज आपके लिए इस बजट रेंज में कुछ बेस्ट कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन्स को सेलेक्ट किया है, जहां पे आपको फ्लैगशिप लेवल के कैमरे की क्वालिटी मिल जाएगी, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट है और उसके साथ साथ आपको जितनी भी स्पेसिफिकेशन मिल जाती है वो भी एकदम जबरदस्त देखने को मिल जाती है। जैसे कि फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है, फ्लैगशिप लेवल का डिजाइन है, टॉप नॉच लेवल का आपको यूजर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। और ये जो बजट रेंज है यहाँ पे आपको MI, OnePlus, Realme और iQOO के एकदम फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको फ्लैगशिप लेवल के कैमरे की क्वालिटी मिल जाएगी। और इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन है ना इस बजट में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो क्रिएट हो ही जाता है कि कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए। तो ऐसे में मैंने आज आपके लिए सेलेक्ट किए हैं टॉप 5 बेस्ट कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन्स अंडर 30,000, जो कि आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। वैसे बेस्ट तो टेकबिज का सब्सक्राइब बटन भी, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप अपने लिए कोई सा एक बेस्ट कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन को सेलेक्ट कर पाएं। बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हमारी लिस्ट में नंबर 5 पे जो स्मार्टफोन आता है, वो आता है iQOO की तरफ से iQOO Neo 6। रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ था, टॉप नॉच लेवल के स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है। और iQOO जो ब्रांड है ना वो वीवो का ही सब ब्रांड है, तो यहाँ पे आपको कैमरे की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है, तो आप इस स्मार्टफोन को भी एक बार जरूर कंसिडर कर सकते हैं। वैसे आप iQOO 9 AC के साथ भी जा सकते हैं अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, पर पर्सनली मेरा सजेशन तो iQOO Neo 6 ही रहेगा, जहाँ पे आपको कैमरे की क्वालिटी ठीक ठाक देखने को मिलती है और उसके साथ साथ एक स्टेबल प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है 6.62 इंचेस की फुल HD प्लस वाली E4 AMOLED डिस्प्ले, जो कि 120 Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। 360 Hz का टच सैंपलिंग रेट मिल जाएगा, 1300 nits की पिक ब्राइटनेस है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 870 वाला एक पावरफुल फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर मिल जाएगा। बहुत ही तगड़ा और बहुत ही स्टेबल प्रोसेसर है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पे आता है, फ्रंट टच ओएस पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 4700 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि सपोर्ट करती 80 वॉट के सुपर फास्ट चार्जिंग को। बात करें कैमरा फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें से प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिल जाएगा, f1.89 का अपर्चर है, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल शूटर और तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर है। फ्रंट में भी आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाता है। इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको बहुत सारे फोटोग्राफिक मोड मिल जाएंगे, जैसे कि अल्ट्रा स्टेबल वीडियोस, 4K तक आप वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, सुपर नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, स्लो मोशन जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। बात करें एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको 4D गेम लीनियर वाइब्रेशन मोटर मिल जाएगा, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट है। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की, तो इस स्मार्टफोन का 8GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल जाता है 29,999 रुपीज में। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट नंबर 4 पे जो स्मार्टफोन आता है, वो आता है रियलमी की तरफ से रियलमी 9 प्रो प्लस। तो अगर आपको इस बजट रेंज में कोई सा एक बेस्ट रियलमी का कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए, तो आप इस स्मार्टफोन के साथ जरूर जा सकते हैं, जहाँ पे आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिल जाएगा, अच्छे खासे कैमरे की क्वालिटी है, टॉप नॉच लेवल का प्रोसेसर है। हालांकि प्रोसेसर इतना ज्यादा पावरफुल तो नहीं है, पर आपको फिर भी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा। बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे आपको 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस वाली सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 90 Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट मिल जाएगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है और 7.99 mm की थिकनेस मिल जाती है। बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको MediaTek का Dimensity 920 वाला पावरफुल प्रोसेसर मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पे आएगा, रियलमी UI पे आपको वॉक करते हुए देखने को मिल जाएगा। 4500 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि सपोर्ट करती है 60 वॉट के सुपर डार्ट फास्ट चार्जिंग को। इनबॉक्स 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग अडैप्टर मिलता है। बात करें कैमरा फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें से प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिल जाएगा, अपर्चर f1.8 का है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट है और सोनी का फ्लैगशिप लेवल का सेंसर मिलता है, जो कि है IMX766 वाला। दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर है, तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको अल्ट्रा स्टेडी मोड मिल जाता है, नाइट मोड, लॉन्ग एक्सपोजर और HDR मोड जैसे ऑप्शन मिल जाएंगे। कैमरे की क्वालिटी बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस की तरफ से आने वाले डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे, X-axis लीनियर वाइब्रेशन मोटर है, वेपर चैम्बर लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिल जाता है और डायनेमिक रैम एक्सपेंशन का सपोर्ट भी दिया गया है। फाइनली बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के प्राइसिंग की, तो इस स्मार्टफोन का जो हायर वेरिएंट है 8GB रैम प्लस 128GB रोम वाला, वो आपको मिल जाएगा 26,999 रुपीज में।
उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट में नंबर थर्ड पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है वीवो की तरफ से, वीवो V23। तो अगर आप इस बजट रेंज में कोई सा एक बेस्ट वीवो का स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो मेरे ख्याल से V23 आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। अगर आपको ओप्पो का कोई सा स्मार्टफोन चाहिए तो ओप्पो रेनो 7 के साथ जा सकते हैं। बाकी बात कर लेते हैं वीवो V23 के स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे आपको 6.44 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि 90Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। HDR 10 प्लस वाली डिस्प्ले है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है और बैक में आपको कलर चेंजिंग एजी ग्लास मिल जाएगा। 7.39mm का अल्ट्रा स्लिम एंड स्लिक डिजाइन देखने को मिल जाएगा। बात करें अगर प्रोसेसर की तो यहाँ पे आपको MediaTek का Dimensity 920 वाला एक पावरफुल 5G प्रोसेसर मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन Android 12 पे आएगा, FunTouch OS 12 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 4200mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि सपोर्ट करती है 44W के फास्ट चार्जिंग को। बात करें कैमरा फीचर्स की तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जिसमें से प्राइमरी कैमरा 64MP का है, अपर्चर f1.89 का मिल जाएगा, दूसरा कैमरा 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर और तीसरा कैमरा 2MP का मैक्रो शूटर है। फ्रंट में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है जिसमें से प्राइमरी कैमरा 50MP का है और दूसरा कैमरा 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर है। इस स्मार्टफोन के मेन सेल्फी कैमरे से आप 4K तक की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं और फ्रंट में डुअल टोन स्पॉटलाइट का सपोर्ट मिल जाता है जिसकी वजह से लो लाइट में आपकी जो सेल्फीज की क्वालिटी आने वाली है वो बहुत ही अच्छी आने वाली है। और इसके अलावा बहुत सारे फोटोग्राफिक मोड मिल जाते हैं जैसे कि AI एक्सट्रीम नाइट मोड, डुअल एक्सपोजर, प्रो मोड, अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन जैसे। बाकी इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको OIS का सपोर्ट नहीं मिलता है जो कि एक मेजर कॉन है अगर आपको एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए इस बजट रेंज में तो। पर फिर भी अगर आप व्लॉगिंग के लिए कोई ऐसा स्मार्टफोन परचेस करना चाहते थे या फिर सेल्फी कैमरे से मेन काम रहता है आपको 4K वीडियोस क्लिक करनी है तो आप इस स्मार्टफोन के साथ जरूर जा सकते हैं या फिर आप जा सकते हैं वीवो V21 के साथ। हालांकि वो स्मार्टफोन एक जनरेशन पुराना जरूर है पर वहां पे आपको फ्रंट और बैक दोनों में ही OIS का सपोर्ट मिल जाता है। बात कर लेते हैं वीवो V23 के प्राइसिंग की, तो यहाँ पे आपको 8GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरिएंट देखने को मिल जाएगा 29,990 रुपीज में। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट में नंबर सेकंड पर जो स्मार्टफोन आता है वो आता है वन प्लस की तरफ से, वन प्लस नॉट 2। तो अगर आपको इस बजट में बेस्ट वन प्लस का स्मार्टफोन चाहिए जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे कैमरे की क्वालिटी मिल जाए और एकदम फ्लैगशिप लेवल का यूजर एक्सपीरियंस हो तो मेरे ख्याल से नोट 2 आपके लिए एक बेस्ट चॉइस होने वाली इस बजट में। बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे आपको 6.43 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली एक फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि 90Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट है। बात करें प्रोसेसर की तो यहाँ पे आपको MediaTek का Dimensity 1200 वाला एक पावरफुल 5G प्रोसेसर मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन Android 11 पे आता है और ऑक्सीजन OS पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिलेगा। 4500mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि सपोर्ट करती है 65W के सुपर फास्ट वॉप चार्जिंग को। बात करें अगर कैमरा फीचर्स की तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा जिसमें से प्राइमरी कैमरा 50MP का है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिल जाता है, सोनी का IMX766 वाला सेंसर यूज किया गया है, दूसरा कैमरा 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर और तीसरा कैमरा 2MP का मोनो शूटर है। फ्रंट में भी आपको 32MP का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे में 4K तक की वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है और बहुत सारे फोटोग्राफिक मोड है जैसे कि सुपर स्लो मोशन, डुअल व्यू वीडियो मोड, AI एनहांसमेंट जैसे। LPDDR4X की रैम है, UFS 3.1 की स्टोरेज मिल जाएगी। और अगर फाइनली बात कर लेते हैं प्राइसिंग की तो इस स्मार्टफोन का 8GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरियंट आपको देखने को मिल जाएगा 29,999 रुपीज में। उसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट में नंबर 1 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी A53 या फिर A52S। आप इन दोनों स्मार्टफोन में से किसी भी स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने बजट को बढ़ा सकते तो आपको A53 के साथ जाना चाहिए। वहाँ पे हालांकि प्रोसेसर इतना ज्यादा पावरफुल तो नहीं है पर कैमरे की क्वालिटी इंप्रूव देखने को मिल जाएगी और OS अपडेट्स वहाँ पे अच्छे मिल जाते हैं। बाकी अगर आपको थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर के साथ आने वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आप देख सकते हैं A52S के साइड। M53 भी इस बजट में एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी बात कर लेते हैं A53 के स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे आपको 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। 800 nits की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है और कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट मिल जाता है। बात कर लेते हैं प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको सैमसंग का ही एक्सिनोस 1280 वाला एक पावरफुल 5G प्रोसेसर मिल जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पे आता है, 1UI4 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 4500mAh की बैटरी मिलती है जो कि सपोर्ट करती है 25W के फास्ट चार्जिंग को। पर इनबॉक्स आपको कोई भी चार्जिंग अडेप्टर नहीं मिलने वाला है। बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरा फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाएगा जिसमें से प्राइमरी कैमरा 64MP का है, अपर्चर f1.8 का और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का भी सपोर्ट मिल जाता है।
दूसरा कैमरा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर, तीसरे और चौथे कैमरा आपको मिल जाते हैं डेप्थ और मैक्रो शूटर। फ्रंट में भी आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे में 4K तक की वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है और बहुत सारे फोटोग्राफिक मोड मिल जाएंगे जैसे कि बोके मोड, पोर्ट्रेट मोड, ऑब्जेक्ट इरेजर, फोटो रिमास्टर जैसे। बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस की तरफ से आने वाले स्पीकर्स मिल जाते हैं, IP67 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट वाला सर्टिफिकेशन है, सैमसंग की नॉक्स की सिक्योरिटी मिल जाती है, वर्चुअली रैम एक्सपैंड करने का सपोर्ट मिल जाएगा और 4 साल तक के आपको इस स्मार्टफोन में OS अपडेट्स भी मिलने वाले हैं। बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के प्राइसिंग की, तो इस स्मार्टफोन का 6GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरियंट आपको देखने को मिल जाएगा 31,499 रुपीज में। तो दोस्तों ये तो थे हमारे लिए इसके टॉप 5 बेस्ट कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन्स जिनकी प्राइसिंग आपको 30,000 के आसपास देखने को मिल जाती है। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग या फिर कंपनी के अकॉर्डिंग किसी भी स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं, पर पर्सनली अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो आपको सैमसंग गैलेक्सी A52s के साथ जाना चाहिए या फिर A53 के साथ जाना चाहिए, जहाँ पे आपको कैमरे की क्वालिटी एकदम जबरदस्त लेवल की देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर आपको अच्छे खासे कैमरे की क्वालिटी के साथ साथ एक अच्छे खासे गेमिंग परफॉर्मेंस भी चाहिए तो IQ Neo 6 नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। बाकी दोस्तों आप किसी भी स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.